इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान के चलिए आप एक रोड पे चल रहे हैं और आपको एक रोड के दोनों साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रही है। एक बिल्डिंग 20 माले की है और एक बिल्डिंग 50 माले की है। और मान लीजिए आप 20 माले की बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं और 20 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाके आप देखते हैं कि सामने की 50 माले की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। और फिर बाद में सोचते हैं कि अगर मैं 50 माले की बिल्डिंग की टॉप पर जाकर इस दुनिया को देखूंगा तो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। पर अब आप 20 माले की बिल्डिंग से उतरकर 50 माले की बिल्डिंग में जाने के बारे में दो बार सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको 20 माले की बिल्डिंग में नीचे उतरना पड़ेगा, उसके पहले फ्लोर पे आना पड़ेगा और सामने 50 माले की बिल्डिंग से पहले फ्लोर से ही आपको चढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ना है, अगर आपको दूसरी 50 माले की बिल्डिंग में चढ़ना है तो स्टार्टिंग तो आपको पहले माले से करना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपने ज़िंदगी में आपने कामयाबी हासिल करनी है, अगर ज़िंदगी में आपने ऊंचाइयों पर जाना है तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, तभी आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कहने में ये बात आसान है पर करने में नहीं। पर सच मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी हम में से बहुत लोगों ने एक दायरा बना लिया है, सुरक्षा का दायरा। अच्छा, ये सुरक्षा का दायरा हम लोगों को मजबूर कर देता है कि हम कुछ भी नया स्टार्ट करने से हमें वो चीज़ रोक सकती है। फॉर एग्जांपल, ये सुरक्षा का दायरा होता है दोस्तों सिक्योरिटी या घबराहट। ये सुरक्षा का दायरा आपको महसूस कराता है आपकी पारिवारिक या आपकी सामाजिक परेशानियाँ या उसकी दिक्कत। मैं आपसे कहूँ, अगर पारिवारिक की बात करें दोस्तों, तो आपके घर खर्चे या आपके बीवी बच्चों का खर्चा या आपके माँ बाप का खर्चा या आपके जो भी आपके आस पास के खर्चे हैं कि वो आप कैसे करेंगे अगर आप किसी नई चीज़ को करेंगे तो। और दूसरा दोस्तों सामाजिक, कि आपने हर एक व्यक्ति अपने एक स्टेटस बना लेता है और स्टेटस के हिसाब से वो सोचता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये छोटा काम होगा, भाई मेरा एक स्टेटस है समाज में, तो वो ये सोच के कभी दूसरा काम नहीं करता है, जबकि उसको पता है कि ज़िंदगी में वो और कुछ भी कर सकता है पर वो कभी वो नीचे उतरना नहीं चाहेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको 20 माले की बिल्डिंग से 50 माले की बिल्डिंग पर जाना है तो आपको बिल्डिंग तो चेंज करनी पड़ेगी और शुरुआत आपको पहले माले से ही करना पड़ेगा। वैसे ही ज़िंदगी में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है और ऊंचाइयों पर जाना है तो शुरुआत तो आपको उतरने से और उसके बाद में एक पहले कदम से चढ़ने पर करना पड़ेगा, जो कि अक्सर लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो सुरक्षा के दायरे में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी सुरक्षित है और जैसी चल रही है वैसी चलने देते हैं। कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले वो चार बार सोचते हैं, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं उसको करने के लिए वो चार बार सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उससे उनका जीवन यापन चल रहा है। दोस्तों मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप छोड़कर रिलायंस का सपना ना देखा होता तो क्या आप जियो चला रहे होते? दोस्तों यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि अगर सचिन तेंदुलकर ने आज अगर क्रिकेट ज्वाइन ना करके सिर्फ पढ़ाई अपने करके एक डॉक्टर बन जाता या एक इंजीनियर बन जाता तो क्या वो एक क्रिकेटर, महान क्रिकेटर बन पाता? और दोस्तों अगर मैं इसके अलावा भी आपको अगर कहना चाहूँ कि दोस्तों इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी आईएएस की आरामदेह ज़िंदगी को छोड़कर अगर उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में एक बड़ी अपनी संस्था बना के, एक बड़ी अपनी पार्टी बना के अगर उसका आगाज़ नहीं किया होता तो क्या आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाते? दोस्तों अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको पहले अपने सुरक्षा का दायरा हटाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसके आगे बढ़ना पड़ेगा और शुरुआत आपको दोस्तों निचले स्तर से करनी पड़ेगी, हमेशा स्टेप वन। तो दोस्तों इस वीडियो के तहत मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी नया काम करने से पहले कतराए नहीं, डरे नहीं और किसी की बातों में ना आइए। सुरक्षा के दायरे से हट कर थोड़े काम कीजिए, क्योंकि तभी आप आने वाले कल के धीरूभाई अंबानी या अरविंद केजरीवाल या कहें सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही मैं हर दिन आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा और एक दिन मैं और दिवंगत अग्रवाल आपको कामयाबी के रास्ते पर ला के जरूर खड़ा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है। आई होप आप मुझे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं। आप लिखिए देवव्रत अग्रवाल, स्पेलिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आप लिखिए गूगल में देवव्रत अग्रवाल, आप लिखिए प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मेरी आपको YouTube चैनल मिल जाएगा जो कि एक पहला है इससे टेलीकॉम, दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता
डालता हूँ, एसर टेलीकॉम में मैं डालता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो। तीसरा, अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉइड एप्स मिल जाएंगे, और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच।